सीरियल वो अपना समय जानवी और आदित्य की लाइफ में नया टर्न आने वाला है। दोनों के बीच में लव शुरू हो गया है। जब से निशा की एवेलनेस की सच्चाई सबको पता चली है, आदित्य और जानवी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। निशा की एवेलनेस पूरे परिवार के सामने एक्सपोज हो गई है, लेकिन फिर भी काका सर निशा के फेवर में है और वो नहीं चाहते कि निशा और आदित्य के बीच डिवोर्स हो। काकी सब बहुत टेंशन में है और वो जानवी की हेल्प लेती है कि वो आदित्य को निशा से छुटकारा दिलवा दे। काकी सा को पता है कि आदित्य इस रिश्ते में बहुत सफर कर रहा है, इसीलिए अब जानवी काकी सा के साथ मिलकर आदित्य की लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करेगी और वो दोनों कई सारी कोशिशें करते हैं आदित्य की लाइफ में खुशियां लाने के लिए। जानवी आदित्य के बच्चे के लिए पपी लेकर आएगी और वो बिनी और चीनी के साथ अच्छी दोस्ती कर लेगी, लेकिन आदित्य को है पेपी से एलर्जी और इस पेपी एलर्जी की वजह से आदित्य और जानवी एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। अब इनके करीब आने से इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल वो अपना समय जानवी और आदित्य की लाइफ में नया टर्न आने वाला है। दोनों के बीच में लव शुरू हो गया है। जब से निशा की एवेलनेस की सच्चाई सबको पता चली है, आदित्य और जानवी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। निशा की एवेलनेस पूरे परिवार के सामने एक्सपोज हो गई है, लेकिन फिर भी काका सर निशा के फेवर में है और वो नहीं चाहते कि निशा और आदित्य के बीच डिवोर्स हो। काकी सा बहुत टेंशन में है और वो जानवी की हेल्प लेती है कि वो आदित्य को निशा से छुटकारा दिलवा दे। काकी सा को पता है कि आदित्य इस रिश्ते में बहुत सफर कर रहा है, इसीलिए अब जानवी काकी सा के साथ मिलकर आदित्य की लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करेगी और वो दोनों कई सारी कोशिशें करते हैं आदित्य की लाइफ में खुशियां लाने के लिए। जानवी आदित्य के बच्चे के लिए पपी लेकर आएगी और वो बिनी और चीनी के साथ अच्छी दोस्ती कर लेगी, लेकिन आदित्य को है पेपी से एलर्जी और इस पेपी एलर्जी की वजह से आदित्य और जानवी एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। अब इनके करीब आने से इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।